आएगी तो आप तुम जाके अगर नहीं बोलती बच्चों को ऐसे मारने का तरीका ऐसे हमारे हस्बैंड के सामने हमारे बच्चे को रिक्शे में डाल के ले जाएंगे। नाशिकच्या नारायण बापू रोड येथील स्कॉटिश अकॅडमी हायस्कूल मध्ये 3 एप्रिल रोजी प्राचार्यांकडून विद्यार्थ्यांना मारहाण झाल्याची घटना घडली होती। या संदर्भात विद्यार्थ्यांसह पालकांनी उपनगर पोलीस ठाण्यात जाऊन प्राचार्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता। या घटनेत पोलिसांनी परस्परांविरोधात गुन्हे दाखल केले होते। मुख्याध्यापिका विनाकारण विद्यार्थ्यांना मारहाण करत शिविगाळ करत असल्याचा आरोप पालकांनी केला होता। या घटनेनं एकच खळबळ उडाली होती, मात्र शाळेकडनं आता दुसरी बाजू समोर आली आहे। नाशिकच्या जेल रोड परिसरातील स्कॉटिश अकॅडमी हायस्कूलमध्ये मुख्याध्यापिका यांनी तुमच्या पालकांना घेऊन या, मगच वर्गात बसा असं सांगितलं। त्यामागे त्यांचा एकच हेतू होता की पालकांच्या कानावर विद्यार्थ्यांबाबत तक्रार करावी। मात्र शाळेमध्ये आलेल्या पालकांनी थेट शिविगाळ करत शाळेतील शिक्षकांना मारहाण करण्यास सुरुवात केली। तसेच शाळेतील वस्तूंची तोडफोड केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। याबाबत मुख्याध्यापिका आणि चित्रकलेचे शिक्षक मंगेश कुंभारे यांनी माहिती दिली। तसेच उपनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हे आपल्याला धमकी देत तुमच्या शाळेची मान्यता रद्द करण्यासाठी मी प्रयत्न करेल असं धमकावत असल्याचं शाळेच्या मुख्याध्यापिका यांनी सांगितलं। सो क्लासरूम में जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा है कि स्टूडेंट्स कंप्लेंट करने लगा, गर्ल्स वगैरह चैट चल रहा है, उन लोगों के ऊपर हाथ डाल रहा है, जो जहाँ जहाँ प्लेस में हाथ नहीं डालना है वो प्लेस में हाथ डाल रहा है करके गर्ल्स ने बताया हुआ है। एंड बेंचेस पे चढ़ना, पानी फेंकना और बुक्स वगैरह फैन के ऊपर घुमा रहे थे बच्चे लोग ने। एंड गर्ल्स को भी बड़ा बड़ा तलवार लेकर आया करके कंप्लेंट आया हुआ है बॉयज़ के पास। सो वो मैटर पे हमने 2-3 स्टूडेंट्स को कहा कि आप पेरेंट्स को लेकर आ जाओ, आपको पेरेंट्स से बात करना है। सो ये मैटर बच्चे छूट गए, नीचे चले गए। हमने वैन वाले अंकल को भी बताया कि पेरेंट्स को लेकर आ जाओ। पृथ्वीराज डिकले करके एक स्टूडेंट है उसमें, वो क्लास में वो पेरेंट कम से कम 5-6 लोगों को, जेंट्स को लेकर आया हुआ है अंदर। एकदम लात मारा, डायरेक्टली मेरे कैबिन डोर को लात मार दिया उन्होंने। अंदर आ गया और चेयर उठा के मेरा ऊपर डालने कोशिश किया, तभी मेरा सिक्योरिटी गार्ड आके उनका कमर पकड़ के नीचे रुकाया। देन मेरा जो भी है सीसी कैमरा जो डिस्प्ले होती है वो भी कंप्यूटर को उठा के फेंक दिया, तोड़फोड़ कर दिया। और उन्होंने इतना डटी लैंग्वेज से बोला है कि जाओ जाके मार मेरे, नहीं तो तुमको, वेरी डटी लैंग्वेज, दैट मीन्स हमें कि एज ए प्रिंसिपल एज एजुकेटेड पर्सन आई एम अनएबल टू से दैट मीन्स सच ए वर्ड्स एट ऑल दैट यू नो। फिर 112 को हमने कॉल किया, उपनगर पुलिस स्टेशन में कॉल किया। वो भी आधा घंटे के बाद सब लोग, पूरा हंगामा खत्म होने के बाद पुलिस लोग आया हुआ है। और मैंने मयंक सर को भी, जो भी है सीनियर PI है वो, उनका मयंक सर को भी मैंने कॉल किया है, सर ऐसे ऐसे है आप लोगों को ये परेशान कर रहा है, लोग ने नहीं नहीं आपने ये कहा। उन्होंने सिर्फ ओनली एक ही क्लिप दिखाया, काटिका दिखाया हुआ है सब, आप ये काटिका दिखा रहे हैं, आप ही ये किया। लेकिन उसका पीछे मेरे पास इतना बड़ा वीडियो है, वो 5 मिनट्स का वीडियो है पूरा टोटली। उसमें मैंने कहा कि मेरे पास प्रूफ है, अगर आपने मुझे FIR नहीं करेंगे तो फिर मैं पूरा लेडीज़ को लेकर आ जाएंगे, हमारा स्टाफ भी आ जाएगा, हंगामा करेंगे, तो नहीं, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी FIR। उन्होंने मुझे धमकी देता है कि आपका स्कूल का मान्यता काटने के लिए मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि आप ऐसा पेरेंट्स का तरफ का ये कर रहे हैं। ये पुलिस सीनियर PI पुलिस, दैट मीन्स दोनों तरफ से जो भी है वाद विवाद सुनना चाहिए था, उन्होंने डायरेक्टली ऐसा धमकी नहीं देना चाहिए। एज ए पुलिस दैट मीन्स नो, हमें प्रोटेक्शन के लिए आपके पास आते हैं। पहली बार भी वैसे मुझे मेरे तरफ से उन्होंने बहुत धमकाया हुआ है, ये सेकंड टाइम है कि उन्होंने मेरा मान्यता काढ़ने तक मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाके आपको कोशिश आपका पीछे पड़ूंगा। समोर आलेल्या व्हिडिओ नंतर पोलीस पालकांवर काय कारवाई करतात हे बघण्यासारखं राहणार आहे। गुड्डू शेख, दिशा न्यूज, नाशिक।